भागलपुर में बरसों से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा की डिमांड हो रही है। चुनाव पूर्व कैबिनेट में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का प्रस्ताव पास हुआ है। जिलाधिकारी ने 692 एकड़ जमीन चयन कर रिपोर्ट बिहार सरकार को भेजी है। 692 एकड़ में से 284 एकड़ जमीन गौशाला और बिहार सरकार की है। इसके बाद 408 एकड़ जमीन आम लोगों की है। गोराडी के मोहनपुर पंचायत के पुन्नक मोजा, सरकार अमानत मोजा, खरवा मोजा, चौमुख मोजा की जमीन चिन्हित की गई है। यहाँ के सैकड़ों लोगों का आरोप है कि गौशाला के बाद की जमीन चयन की गई है, किसी से बात नहीं की गई। जिस खेत को चयन कर लिया गया है उसमें तीन तीन फसल उपजाते हैं, हम लोग भूमिहीन हो जाएंगे। सरकार मोहनपुर मौजा की जमीन को चिन्हित कर वहां पर एयरपोर्ट बनाए। हम ग्रामीण एयरपोर्ट चाहते हैं, हवाई सेवा चाहते हैं, लेकिन नियम संगत रूप से जमीन लिया जाए। वहीं इन लोगों से MLC राजवर्धन आजाद ने मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना। MLC ने कहा कि मुख्यमंत्री से बात हुई है, जिलाधिकारी से बात हुई है, जिनकी जमीन ली जाएगी, जमीन की स्थिति क्या है, उसके मुआवजा का क्या होगा, यह बात हुई है। आगे इसके लिए जो करना होगा करेंगे। आने वाले 2 साल में एयरपोर्ट बन जाना चाहिए। यह मुद्दा इस बार हवा हवाई नहीं रहेगा। बता दें कि सिल्क सिटी भागलपुर में सिल्क को बढ़ावा देने के लिए यहां से GI टैग प्राप्त उत्पाद जर्दालू आम और कतरनी धान के आयात के लिए इसके बाजार के लिए प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय अजगैबीनाथ धाम के लिए बेहतर व्यापार के लिए हवाई सेवा की दरकार है। पुराने हवाई अड्डा से हवाई सेवा शुरू नहीं हो सकती है, इसको लेकर लगातार ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की मांग की जा रही थी। बरसों बाद जमीन का चयन हुआ है, अब देखना है कि कब तक यहाँ से हवाई सेवा की शुरुआत होती है। यहाँ 200 एकड़ जमीन है गौशाला का, ठीक है, और लगभग 1800 बीघा लगभग यहाँ किसान का जाएगा जमीन, और चारों तरफ से जो है ये 3 फसला जमीन है, और 8-10 गांव का आदमी यहाँ मर जाएगा। अगर हवाई अड्डा बना तो दूसरे जगह पलायन करना पड़ेगा यहाँ से आदमी को। अगर जमीन नहीं रहा तो क्या करेगा, यहाँ रह करके गाँव में दूसरे जगह चला जाएगा आदमी। यहाँ से 8-10 गाँव है अभी, यहाँ शादी सलमपुर है, पुन्नक है, फरीदपुर है, भोजपुर है, चम्मू का है, उपजाऊ जमीन है, 3 फसल होता है इसमें, और वो और सरकार को जमीन यहाँ खरीदना पड़ेगा, ठीक है। और वो वहाँ जो है मोहनपुर मौजा में जो है जमीन, वो एक जगह जमीन है और थोड़ा कम खरीदना पड़ेगा, यहाँ यहाँ 3 कॉलम खरीदना पड़ेगा, और सरकार को भी फायदा होगा। यहाँ 800 एकड़ वहाँ जमीन है, 400 एकड़ जमीन है, यहाँ 200 एकड़ जमीन है, 208 एकड़, एक जगह नहीं, और एक जगह नहीं है, 20 बीघा वहाँ है तो 10 बीघा यहाँ अलग अलग जगह पे है, और नकदी जमीन किसान का घुसा हुआ है चारों तरफ। और तू ही नहीं अधिकारी, अधिकारी आया था लेकिन बात नहीं करने दिया हम लोग को, अपने में बात करके और देख उख करके चला गया। सरकार अमानत मोजा जो किया जा रहा है, यह सरकार की के जो कर्मचारी गण है उनसे भी यह निवेदन करना चाहता हूं, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी गहन जांच करें और उचित जगह पर इसका निर्माण कार्य करें। यह हवा हवाई मैटर को जनता की आवाज़ को सुना नहीं जा रहा है, और मनगढ़ंत तरीके से अपने तरीके से इसको क्या कहा जाए इसको मैंने लॉ एंड ऑर्डर के तहत इसको यहाँ बलपूर्वक बनाने का काम किया जा रहा है, जो कि जनता के लिए बहुत ही आने वाले सरकार के लिए सरकार की व्यवस्था पर यहाँ का प्रश्न चिन्ह उत्पन्न कर सकता है। इसलिए हम निवेदन करेंगे इसकी जांच हो और सही जगह इसका व्यवस्था हो। इस मामले में हम लोगों ने पहल किया है, जो यहाँ पर संघर्ष समिति है उसके द्वारा हमको जानकारी मिली। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत तत्परता के तरह से इसको कैबिनेट से पास कराया है। पास कराने के बाद जो है प्रक्रिया अभी चालू है। यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं वो भी बहुत तत्पर हैं और बहुत अच्छे हैं, और रचनात्मक काम में, जनहित के काम में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं वो। तो ये सारी चीज़ों के बाद जो है हम आए थे भागलपुर, क्योंकि भागलपुर का एयरपोर्ट बनने का मुद्दा जो है बहुत ज़रूरी है, बहुत गंभीर है और बहुत आवश्यक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ आए थे। कमल जायसवाल जी का भी सलाह था, मेरी इच्छा भी थी कि हम जाकर के देखें वहाँ पर कि वो कौन सी ज़मीन है और क्या है, और यहाँ के लोकल लोग जो हैं उनसे भी थोड़ी बात करें, ताकि जिनकी ज़मीन जाएगी तो उनको जो है मतलब कितना ज़मीन जाएगा और उस उनको मतलब क्या है उसका, ज़मीन की स्थिति क्या है, मुआवजा का क्या है, तो वो सारी बातों को हम समझने के लिए आए थे और हम बात समझ गए हैं। और बात समझने के बाद जो है अब हम आगे जो है इसके लिए जो भी हम लोग को करना पड़ेगा, जो भी हम लोग कर सकते हैं तो उस इसमें हम लोग करेंगे।
भागलपुर के सबौर चौक के समीप अनियंत्रित हाइवा ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। करीब 5 मिनट तक युवक ट्रैक के अंदर दबा रहा, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकालकर सबौर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टर ने घायल गंभीर स्थिति देखकर मायागंज अस्पताल भेज दिया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मरने वाले की पहचान मलखान निवासी मदन मंडल के पुत्र गौरव कुमार के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने बताया, गौरव पढ़ने के लिए रोज ममलखा से सबौर आता था, आज भी जा रहा था, तभी हाइवा की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इधर पुलिस ने हाइवा को 5 किलोमीटर दूर जाकर हाइवा को जब्त कर लिया। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। आज जो है ना सुबह प्रत्येक दिन जो है कि ममलखा स्कूल ममलखा से जो है सबौर आता था पढ़ने के लिए, गौरव कुमार मेरा चाचा है, और आज भी आ रहा था सवारी गाड़ी से टोटो से, और यहाँ सबौर 6 बजे घर से निकला, सबौर 7 बजे तक में पहुँचा, तो इधर से हाइवा आ रहा था पूरा एकदम स्पीड में, और इधर से मेरा चाचा जो गाड़ी जा रहे थे तो वो नियंत्रित हाइवा आया और रॉन्ग साइड में आके पूरा मार दिया धक्का, और उसी में जो है कि फंस के रह गया। तब किसी तरह जो है कि सब पब्लिक सब निकाल के तुरंत जो है कि सबौर हॉस्पिटल में भर्ती किया, फिर वहाँ तुरंत जो है कि रेफर किया मायागंज, हम लोगों को फ़ोन किया, फिर हम लोग आए यहाँ मायागंज, तो 1-2 मिनट यहाँ चला इलाज, बस उसको जो है कि डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। क्या नाम था? गौरव कुमार नाम था। उम्र कितनी? 16 साल का था, और क्लास 10 में पढ़ने में बहुत अच्छा था, फर्स्ट आया था, और इस बार 12 का साइंस लिया था मैथ से और एग्जाम दिया था। कहाँ का रहने वाला है? ममलखा का रहने वाला है। पिता का क्या नाम है? पिता का नाम था मदन मंडल। लोकसभा चुनाव 2024 को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा शहर के टाउन हॉल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में जिले के पदाधिकारियों के साथ सभी विभागों के कर्मचारियों को जिलाधिकारी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में हमारे जिला के जितने भी अधिकारी के साथ कर्मचारी पुलिस बल मेडिकल की टीम को लगाया गया था, सभी ने बेहतर ढंग से अपने अपने कामों को किया। साथ इन्होंने यह भी कहा, भीषण गर्मी में प्रायः लोकसभा क्षेत्र में कुछ न कुछ छोटी मोटी घटना भी घटी। अधिकतर लोकसभा क्षेत्र में गर्मी को लेकर चुनाव कर्मी की तबीयत बिगड़ रही थी, लेकिन हमारे लोकसभा क्षेत्र में किसी प्रकार की ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई, जिस कारण हमारे सभी कर्मी धन्यवाद के पात्र हैं। आज के इस कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग, निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी, अनुमंडल अधिकारी धनंजय कुमार के साथ सभी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। आम चुनाव में हमारे सभी स्तर के पदाधिकारियों ने, कर्मियों ने, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने, साथ ही मीडिया के सभी बंधुओं ने एवं खास यहाँ की आम जनता ने काफ़ी बेहतरीन तरीके से निष्पादन कराने का प्रयास किया है, और आप देख रहे होंगे कि इतनी तपती धरती में और इतने तेज़ लू में भी हमारे समस्त अधिकारियों ने, पुलिस पदाधिकारी ने, पुलिस बल ने, सभी कर्मियों ने इस तरीके का चुनाव कराया है कि कहीं भी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, कहीं किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, और इस पूरे कार्य को संपन्न कराने में हमारे मीडिया बंधुओं का अहम रोल रहा है। तो इसी अवसर पर हमने सभी स्तर के पदाधिकारियों को यहाँ सम्मानित किया है, और पुलिस पदाधिकारियों को भी, चूँकि एक साथ हम सभी को नहीं बुला सकते हैं, तो जो क्राइम मीटिंग होती है, क्राइम मीटिंग में हम सम्मानित करेंगे, एवं मीडिया बंधुओं को भी अलग से हम एक सभा बुला रहे हैं, एक मीटिंग बुला रहे हैं, उस मीटिंग में हम लोग सम्मानित करेंगे। विकासशील इंसान पार्टी के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। भागलपुर में गंगा की लहरों के बीच क्रूज यात्रा के साथ बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने प्रदेश के सभी जिलों के अध्यक्ष और कमेटी के पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। बैठक में सहनी ने पार्टी के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों को अभी से ही आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने का निर्देश दिया। बैठक की सबसे खास बात यह थी कि बैठक के दौरान टेबल पर 2 कतला मछली भी रखा गया था। बैठक शुरू होने के पहले सहनी ने कहा, मेरे साथ मछली देखकर कई लोग परेशान हो आते हैं, लेकिन मेरा कर्म और धर्म मछली बेचना, मछली मारना और मछली खाना है। मैं मछुआरा का बेटा हूं। बैठक में सहनी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस लोकसभा चुनाव में भले पार्टी ने सीट नहीं जीती हो, लेकिन वीआईपी का ही नहीं बल्कि महागठबंधन के वोट शेयर बढ़ा है, जो आने वाले चुनाव के लिए शुभ संकेत है। उन्होंने कहा, हमारी लड़ाई अभी भी निषाद आरक्षण की है। जब तक बिहार, झारखंड और यूपी में निषादों का आरक्षण नहीं मिल जाता, उनका संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा, आज देश और बिहार की सरकार वर्तमान की सरकार से ऊब गए हैं, इसका साफ संकेत लोकसभा चुनाव परिणाम ने दे दिया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में हम अच्छा परिणाम भी देंगे।
अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकूल, जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद भी शराब तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे। मद्य निषेध अधिनियम के तहत शराब तस्करी के मामले में अब विशेष अदालत उत्पाद में कांडों के निष्पादन में तेजी लाई जा रही है। वहीं विशेष उत्पाद कोटू राजेश सिंह की न्यायालय में कोतवाली थाना क्षेत्र के मामले में एक शराब तस्कर और मद्य निषेध अधिनियम के तहत दोषी पाया गया। वहीं अभियुक्त को 5 साल कारावास और 1 लाख जुर्माना देने की सजा सुनाई गई। जुर्माना राशि नहीं देने पर 3 महीने की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई। मामलों में चली सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से निषेध अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बहस में हिस्सा लिया। विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने बताया कि मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। 22 जनवरी 2023 को सुबह 4 बजे कोतवाली थाना को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति शराब की बिक्री करने हेतु ट्रेन से उतरकर बस में सवार होने उल्टा पुल होते हुए डिक्सन मोड़ की ओर जा रहा है, जिसके सत्यापन हेतु वरीय पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। उल्टा पुल पर पहुंचकर आने जाने वाले राहगीरों पर कड़ी नजर रखते हुए थैले की जांच करना प्रारंभ किया। तभी एक व्यक्ति एक काले रंग का बैग अपने पीठ पर एवं हाथ में लिए काले का झोला को लेकर डिक्सन मोड़ की ओर भागने का प्रयास किया। साथ के बल के सहयोग से शंका होने पर उस व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ करने लगे तो वह व्यक्ति कुछ भी बताने से इनकार किया। तभी हाथ में लिए झोला एवं कंधा पर लिए बैग की तलाशी हेतु स्वतंत्र साक्षी की खोज की, परंतु आने जाने वाले कोई व्यक्ति स्वतंत्र साक्षी बनने को तैयार नहीं हुए। ऐसी स्थिति में साथ में सिपाही उमेश कुमार एवं चमन कुमार को स्वतंत्र साक्षी मानते हुए उक्त पकड़ाए गए व्यक्ति के हाथ में लिया झोला एवं पीठ पर लिए बैग की तलाशी ली और पीठ पर लिए बैग के अंदर बकाडी लेमन 750 ml का अंग्रेजी शराब सीलबंद का एक बोतल, रॉयल स्टेक सुपीरियर विस्की 750 ml का अंग्रेजी शराब सीलबंद कुल 4 बोतल और हाथ में लिए काले झोले में ऑफिसर चॉइस ब्रांड विस्की अंग्रेजी शराब सीलबंद पाउच 88 पाउच प्राप्त हुआ। साथ ही एक वीवो कंपनी का मोबाइल भी जब्त किया गया था। वहीं गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कासिमाबाद के रहने वाले स्वर्गीय कैलाश मंडल के 19 वर्षीय पुत्र बलराम कुमार के रूप में हुई थी, जिसे आज विशेष उत्पाद कोड 2 में सजा सुनाई गई है। कोतवाली थाना कौन संख्या 79/23 का केस है, शराब का केस था। इसमें एक अभियुक्त ट्रेन से उतर करके डिक्सन मोड़ की तरफ जा रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली, गुप्त सूचना के आधार पर उन्होंने उस व्यक्ति को शराब लेकर के जाते रेड हैंड पकड़ा और उसके पास से 180 का 88 पाउच शराब मिला और उसको वहीं पर जब्ती सूची बना करके आज मान्य श्री राजेश कुमार ADJ 12 उत्पाद को 2 में सजा सुनाई गई। इसमें 5 वर्ष की सजा, 1 लाख रुपया की जुर्माना नहीं देने पर 3 महीनों के अतिरिक्त सजा सुनाई गई। अभियुक्त का नाम बलराम कुमार है।
भागलपुर जिला अंतर्गत सबौर थाना क्षेत्र के बंसी टीकर सूरज चौक पर आपसी रंजिश का शिकार हुई विनोद पासवान की पुत्री। बताते चलें कि विगत दो माह पूर्व विनोद पासवान के परिवार और सुबोध पासवान के पुत्र व परिजन में मारपीट की घटना हुई थी, जिसको लेकर सबौर थाना में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी बाबत आज तड़के सुबह विनोद पासवान सूरज चौक पर मटन खरीदने गया था, तभी सुबोध पासवान के पुत्र से विवाद हुआ, गाली गलौज की बौछार शुरू हुई और तीन लोगों ने एक नाबालिग लड़की को पीट दिया। बहरहाल पीड़ित सबौर थाना पहुंचे और सबौर पुलिस ने उसे इलाज हेतु सबौर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। वहीं द्वितीय पक्ष के सुबोध पासवान ने पिटाई से साफ इनकार कर दिया और कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पुत्र और मैंने मारपीट नहीं की है। पापा को मार रहा, पापा को पहले मारा, पूछे कि कौन है गाली गलौज करने लगा, एक बात बोले कि काहे मारा, तो सब मिलके अम्मी को मारने लगा। के मारा? सुबोध पासवान और उमेश पासवान और प्रीतम पासवान, इक्की कुमार, राजेश कुमार, राजेश पासवान, उमेश पासवान। लाठी लेके तो सर हम बाद में आए, मेरी बहन को मार के गिरा दिया था, तो हम देखे तो बोले आप फिर से मारो, मारेंगे यही मारो, मर जाएंगे मार खा के। जब हमको फोन किया, जब हम लोग गए तब हम लोग देखे कि मार के हम लोग उड़ा दिया लोग को, हम लोग को दूसरे से पता चला कि यहाँ मार हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? किशन कुमार। पापा का नाम? विनोद पासवान। आप लोग में तो पहले से केस मुकदमा चल रहा है? पहले से केस मुकदमा हो रहा है सर, वही बोल रहा है कि पहले से केस करवे, क्या मारो तो मार दो, ऐसे बोल रहा है सर। अभी यही मारपीट हम गए मीट लाने के लिए, बोला तुम केस किया रहे, तुमको रोड पर नहीं घूरने देंगे, गोली मार देंगे, बस हमको खा मखा मारने लगा। ये आपके आपके बच्चिया क्या हुआ? ये बच्चिया सुनी कि इसके पापा को मार रहा है, तो ये लोग सब बच्चा सब गया, अब हमको छोड़ने, हम गाड़ी पटक करके भाग के चले गए बगीचा। तो इसको रोड पे क्यों लेटा है? इसको डॉक्टर को रोड पर मारने लगा वो लोग। अभी डॉक्टर के यहाँ ले जाइए, रोड पे रखने से यहाँ ले जाएंगे। अभी बात किए थे थाना प्रभारी से कि सर हम क्या करें, तो बोला आवेदन दीजिए, आइए यहाँ। भागलपुर के सबौर प्रखंड अंतर्गत उच्च विद्यालय सबौर में संपूर्णता अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान में प्रसव जांच, उक्त रक्तचाप, मधुमेह जांच, जीविका समूह के बीच रिवॉल्विंग फंड का वितरण, गर्भवती महिलाओं के बीच पोषाहार वितरण और कृषि विभाग द्वारा मिट्टी की जांच एवं मृदा कार्ड निर्गत करना कार्यक्रम के कई तरह का स्टॉल लगाया गया था। जागरूकता अभियान को लेकर स्कूली बच्चों, आशा एनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रभात फेरी भी निकाली गई। विद्यालय ग्राउंड में विद्यालय के बच्चों द्वारा वॉलीबॉल भी खेला गया। कार्यक्रम का आनंद शेखर, अतिरिक्त मिशन निदेशक नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा उद्घाटन किया गया। इनके द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया, कई तरह का निर्देश भी दिया गया। इस कार्यक्रम में विधायक नाथनगर, प्रखंड विकास पदाधिकारी सबौर, अंचलाधिकारी, प्रखंड प्रमुख सबौर, नगर पंचायत अध्यक्ष सबौर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सबौर एवं प्रखंड के कर्मी एवं विद्यालय के बच्चे, शिक्षक, शिक्षिकाएं उपस्थित थे। सबौर बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, 6 में से 1 जो सॉइल हेल्थ कार्ड के रिलेटेड है उसमें इन्होंने संपूर्णता हासिल की है, और भी कई सारे इंडिकेटर्स हैं जहाँ पर इनका प्रदर्शन बहुत अच्छा है, और पूरे रनिंग और सबके साथ मिलकर के लोगों को जागरूक करके वीडियो साहब की एक अच्छी रणनीति बनी है कि कैसे ये सारे 6 सूचकांकों को सितंबर के पूर्व ही संपूर्णता हासिल करेंगे और सबौर को बेमिसाल बनाएंगे। कुछ 6 पैरामीटर्स में जो कमियां हैं, हम लोगों ने उसको लक्ष्य निर्धारित कर लिया है कि सितंबर से पहले इस लक्ष्य को पूरा कर लें और पूरे भारत में भारत ब्लॉक सबसे पहले इस लक्ष्य को प्राप्त करके आकांक्षी ब्लॉक के जो पैरामीटर्स हैं उसमें सैचुरेट कर जाएं, यही हम लोग का लक्ष्य है। सर का गाइडेंस हम लोग को मिलता ही रहेगा, जिला पदाधिकारी महोदय का भी हम लोग का सफल हमेशा ज्ञानवर्धन मिलता रहता है, सर के नेतृत्व का मिलता रहता है। आज के कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हम लोग स्वस्थ भारत चाहते हैं, और इसके लिए भारत सरकार ने एक कार्यक्रम बनाया है नीति आयोग की मार्फत से, उसको हम लोग फॉलो करें, अपने उसको फॉलो करें। और जो बात कही गई है भी अच्छा आनंद साहब ने कहा, ये बहुत ही परफेक्ट बात कहा इन्होंने, और इसको हम लोगों को फॉलो करना चाहिए।